हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टर चैनल। और शिक्षण कौशल, जीवन कौशल टॉपिक के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा दिया है जीवन कौशल की आवश्यकता, महत्व, व्यावसायिक नीतियाँ, जीवन कौशल की विशेषताएँ, और उस दिन तो कल मैंने पढ़ाया अभिप्रेरणा। इसके बाद आज मैं आपको पढ़ाऊँगा शिक्षक की भूमिका। जी हाँ, शिक्षक की भूमिका। अगर पिछले वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में बात करेंगे शिक्षक की भूमिका के बारे में, ठीक है। शिक्षक की क्या भूमिका है, ये जीवन कौशल से संबंधित है, तो आप सभी लोग इससे ज़रूर देखें अगर लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सीटेट वगैरह किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेडागॉजी में ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो सबसे पहली भूमिका है, शिक्षण आदर्श के रूप में, टीचर एज अ मॉडल, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर समझ लें, टीचर एज अ मॉडल, ठीक है। अधिगम में आदर्श यानी मॉडल की विशेषताओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिगम मतलब सीखना, यानी सीखने पर आदर्श का प्रभाव पड़ता है। और आदर्श किसका, किसका आदर्श, शिक्षक का आदर्श, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान देंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि आदर्श शिक्षक की सामाजिक विशेषताएं छात्रों को उस अधिगम कराने यानी सिखाने में बहुत सहायता देती हैं। कक्षा में शिक्षक ही एक ऐसा आदर्श होता है जिसके शैक्षिक सामाजिक व्यवहार का निरीक्षण छात्र करते हैं और उसी का अनुकरण करके छात्रों में आदर्श गुण आते हैं, ठीक है। तो छात्र के ऊपर शिक्षक के आदर्श व्यक्तित्व का, आदर्श ज्ञान का एवं आदर्श क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। इसे बहुत ही आसानी से आप लोग समझ लें। देखिए, ये छात्र हैं, ठीक है। अब ये अधिगम करता है, अब इस पर समाज का प्रभाव पड़ता है, परिवार का पड़ता है, विद्यालय का पड़ता है, शिक्षक का पड़ता है, कक्षा का पड़ता है, साथियों का पड़ता है, ठीक है। इस तरह से अगर हम ग्राफ बना लें, परिवार, ठीक है, समाज, विद्यालय, बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है, शिक्षक, कक्षा का वातावरण और मित्र, ठीक है। तो इतनी चीज़ों का जो प्रभाव है वो छात्र पर पड़ता है। छात्र इन सब चीज़ों से कुछ ना कुछ सीखता है, अच्छा हो या बुरा, लेकिन वो कुछ ना कुछ सीखता है। अब उसे आदर्श चीज़ें कहाँ से मिल सकती हैं, हम बात करेंगे इसमें शिक्षक से। शिक्षक का समय पर आना, शिक्षक का उदार वाला व्यवहार, सरल व्यवहार, शिक्षक का अच्छा व्यवहार, आदर्श गुण, इन सब का प्रभाव छात्र पर पड़ता है। और छात्र के सीखने की गति में भी ये चीज़ें परिवर्तन लाती हैं। अगर परिवार खराब है तो छात्र बहुत मुश्किल से सीखेगा, अच्छा नहीं सीख पाएगा या उसमें बहुत सारी समस्याएं पाई जाएंगी, ठीक है। तो सीयर्स ने भी 1953 में अपने प्रयोगों द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार करने वाले आदर्श के व्यवहार के साथ बालक का तादात्म्यकरण शीघ्र हो जाता है कहा है कि अगर शिक्षक जो है प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, ठीक है, स्नेह पूर्वक, तो जो छात्र होता है वो उसकी बातों को बहुत आसानी से समझ जाता है। आदर्श यदि बहुत प्रतिष्ठित होगा, उसके व्यवहार से बालक बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर आप इसे आउट एक लाइन में देखें तो सारी चीज़ें सीखने को लेकर के हैं, ठीक है। और सीखता कौन है, छात्र है, सिखाता कौन है, शिक्षक है। छात्र और शिक्षक के बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मित्र, कक्षा, विद्यालय, समाज, परिवार, ये सारी चीज़ें बीच में हैं। मेन आपका जो संबंध है, रिलेशन है, जो आपको दिखाना है, छात्र और शिक्षक के बीच में दिखाना है, क्योंकि शिक्षक पढ़ाता है और छात्र पढ़ता है, दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जो अनुक्रिया होती है, वही। तो इसी में आदर्श होना चाहिए। अब आदर्श क्या है, उचित आचरण, ठीक है, जिसे देख करके बालक सीख सके। उचित आचरण क्या है, जिसे समाज में मान्यता प्राप्त हो, जो समाज के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो, समाज के उल्टा ना हो, जो सही दिशा में ले जाए। सही दिशा क्या है, इसी तरह जब आप एक प्रश्न से दूसरा प्रश्न, दूसरे से तीसरा प्रश्न निकालेंगे तो आपको बहुत आसानी से जवाब मिलते जाएंगे। सही दिशा का मतलब यह है कि जो समाज की प्रगति में साधक हो, बाधक ना हो, अवरोध उत्पन्न करने वाला ना हो। तो इस तरह से आप शिक्षक की भूमिका, टीचर एज अ मॉडल के रूप में देख सकते हैं।
दूसरी जो भूमिका है विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए सुगम करता, ठीक है, एक प्रोत्साहक के रूप में, ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी है, ठीक है, मार्गदर्शक के रूप में जिसे आप कहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ, ठीक है, कि सुरेखा नाम की एक लड़की है, वो चाहती है कि कक्षा के बच्चे, यानी सुरेखा टीचर है, तो कक्षा के बच्चे आज कक्षा में नहीं बल्कि बाहर खुले मैदान में पढ़ें, और वो बच्चों को पेड़ पौधों की विशेषताओं, उनके विभिन्न भागों, सीटेट में ये कई बार पूछा जा चुका है, और कार्यों के बारे में बताना चाहती थी। कौन? सुरेखा मैडम, ठीक है। बच्चों को कक्षा में ना पढ़ा करके बाहर खुले मैदान में प्राकृतिक वातावरण में पढ़ाना चाहती है, ठीक है। यहाँ शब्द से तात्पर्य सुरेखा के शिक्षण लक्ष्य से है, जिसमें बच्चों की सक्रिय सहभागिता निसंदेह सुनिश्चित है। सब प्रबंध करने के बाद वो अभी बच्चों को बाहर मैदान में ला ही पाई थी कि बारिश शुरू हो गई। अब सुरेखा जो मैडम हैं, उनकी जगह अगर कोई और शिक्षिका होती तो संभवतः तुरंत उदास या निराश हो जाती, लेकिन सुरेखा में इतना लचीलापन तथा संसाधनशीलता था कि उसने तुरंत सब बच्चों को कक्षा के अंदर व्यवस्थित किया और बोर्ड पर एक बड़ा सा दृश्य बनाया। उस दृश्य में वही सब कुछ था जो कि बाहर था, पेड़ पौधे, बारिश, घास फूस, मेंढक और भी बहुत कुछ, जो मतलब उस नेचुरल चीज़ों को दिखा सकते थे। फिर सुरेखा ने बोर्ड पर बने दृश्य को देखने, निहारने तथा सूक्ष्म विस्तार का अवलोकन करने के लिए बच्चों को पर्याप्त समय दिया। अब उसके दृश्य पर आधारित क्या था? रोचक कहानी थी, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थी, ठीक है। उसकी कहानी में पेड़ पौधे, उनके भाग, पेड़ पौधों के जो भाग हैं, तना, जड़, पत्ती, इनके कार्य, फूल, फल, इनका वर्णन था। फिर बारिश की बूंद फूल पर गिरी तो किसी फूल का कान मुड़ गया तो किसी की नाक पर लग गई। ऐसे मज़ेदार कहानियों के द्वारा वो उसे मिले। तो इन सब चीज़ों से क्या मिलता है? प्रोत्साहन। और जब आप शिक्षक जब प्रोत्साहन देगा तो छात्र के अधिगम, अधिगम को आप लोग ज़रूर समझ लें, इसका अर्थ होता है सीखना, सीखने में क्या होगा, तेज़ी आएगी और अधिगम तेज़ी से होगा। तो शिक्षक की जो भूमिका है वो एक प्रोत्साहन करता या मार्गदर्शक के रूप में भी होती है, ठीक है। फिर तीसरा जो है, शिक्षक एक समस्या समाधान कर्ता के रूप में, ठीक है, समस्या समाधान कर्ता, ये तीसरी है, कर्ता, ठीक है, ये आप समझ सकते हैं, ठीक है, ये कर्ता है ऐसे। तो समस्या समाधान कर्ता, देखिए, जब कक्षा में विभिन्न प्रकार की विभिन्न संस्कृतियों वाले विद्यार्थी होते हैं, विभिन्न व्यक्तित्व के, सारे विद्यार्थी एक जैसे होते नहीं हैं, ठीक है, और क्लास जो होनी चाहिए वो विद्यार्थी सेंटर्ड होनी चाहिए। अब जो शिक्षक है वो इस सर्किल में कई सारे विद्यार्थी हैं जिनकी अलग अलग विचारधाराएँ, अलग अलग बैकग्राउंड हैं और उनकी अलग अलग समस्याएँ हैं, ठीक है, सबसे बड़ी बात उनकी अलग अलग समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं का समाधान शिक्षक कैसे प्रस्तुत करते हैं कक्षा में, कैसे सामंजस्य बनाते हैं, ये उनके ज्ञान, कौशल, व्यवहार, ठीक है, और सोच, बुद्धि, ठीक है, और भी दो चार चीज़ें जो मुझे याद नहीं आ रहे हैं इस समय, मैं आपको बता दूंगा, तो बुद्धियां हैं। तो इन सब चीज़ों में डिपेंड करता है कि कैसे मतलब उसने अपने व्यवहार के द्वारा, कौशल के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपनी दूरगामी सोच के द्वारा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके विद्यार्थी की कक्षा में समस्याओं में सामंजस्य बैठा पाता है, ठीक है। उसे सबसे पहले तो अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर लेना चाहिए कि उसे कक्षा में किस प्रकार पढ़ाना है। उसके बाद उसे अपनी योजनाएं बना लेनी चाहिए कि वो कक्षा में जो पढ़ाने वाला है उसकी क्या योजना होगी, वो कहाँ से शुरू करेगा और कहाँ तक ले जाएगा, ठीक है। और कक्षा की समस्याओं, ठीक है, समस्याओं के बारे में एक सूची बना लेनी चाहिए कि कक्षा में प्रमुख समस्याएं क्या हैं, कितने मंद बुद्धि वाले बालक हैं, कितने बालक हैं जो जल्दी सीख सकते हैं, जो पीछे बैठते हैं, जो आगे बैठते हैं, उनके स्थान में परिवर्तन, ये सारी चीज़ें शिक्षण कौशल तथा जीवन कौशल दोनों में आती हैं, ठीक है। फिर अगली जो चीज़ है वो है संसाधन। उसे इन चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि वो अपने शिक्षण कार्य में किन संसाधनों का प्रयोग करने वाला है, ठीक है। ये नोट्स आप लोग ज़रूर बना लें कि समस्या समाधान के अंतर्गत शिक्षक का ज्ञान, कौशल, व्यवहार, सोच, बुद्धि, समस्या सुलझाने का कौशल और संसाधन, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है।
तो आई थिंक ये अब क्लियर हो गया है, आप सबको समझ में आ गया होगा शिक्षक की भूमिका जो है कक्षा में क्या होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे, एक टॉपिक आपका बच रहा है शिक्षण कौशल में, संवैधानिक एवं मानवीय मूल्य एवं दंड एवं पुरस्कार। तो बहुत ही इजीली शब्दों में मैं इसे समझा दूंगा, और वीडियो को लाइक करना अगर पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और थैंक यू सो मच। कोई समस्या है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।